हेलो एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल हाय माय नेम इज़ नाजनीन शेख एंड लास्ट लेक्चर में हमने किया था ब्रेन स्टॉमिंग सेशन जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट डे का था सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड सम ऑफ़ द टॉपिक्स ब्रेन स्टॉमिंग सेशन में जो हमने कंप्लीट किया था सो दिस वाज़ दी लास्ट ट्रू एंड फॉल्स अलॉन्ग विद करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है हमने दिया था वाई सेंटेंस इज फॉल्स दर वॉज ओनली वन सेंटेंस विच वॉज फॉल्स तो हमने उसका रीज़न भी जो है वो दे दिया था वाई इट इज़ फॉल्स अब ये जो ब्रीफ आंसर्स है ये ब्रीफ आंसर्स जो है आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएंगे हमारे आंसर जो है वो हम लेक्चर के एंड में उसको पोस्ट कर देंगे आज जो हम करने वाले हैं इट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ए थ्री दैट मीन्स सम ऑफ दी क्वालिटीज ऑफ थ्री पीपल तीन लोगों के बारे में यहाँ बात की गई है पूरी स्टोरी में तो तीन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे एक तो एस्ट्रोलॉजर की क्या क्वालिटीज थी गुरु नायक की क्या क्वालिटीज थी और एस्ट्रोलॉजर के वाइफ की क्या क्वालिटी

एज ए ह्यूमन बींग भी देखा जाए तो उसकी क्या क्वालिटीज़ थी जिस किरदार को जिस कैरेक्टर की या बात की गई है उसकी क्या क्वालिटीज़ थी एक तो वो काफ़ी ज़्यादा श्रूट था यानी कि रूट था ओके सेकेंड है कनिंग कनिंग यानी कि बहुत ज़्यादा चालू था बहुत ज़्यादा शार्प था बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था वो क्लेवर था बहुत ज़्यादा वाइज था वो ओवर कॉन्फिडेंट भी था क्योंकि उसने हमेशा क्या किया है लोगों को अपने आंसर्स दिया है मिसगाइड भी किया है बट ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट इनफ कि कभी कोई मेरा झूठ जो है वो पकड़ नहीं पाएगा तो ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट एज वेल इसी के साथ साथ उसकी दूसरी क्वालिटीज थी ही वॉज स्मार्ट इनफ ही वॉज मीन काफ़ी मतलब ही था वो क्योंकि वो अपने ही एक गुनाह के लिए छोड़कर अपने गाँव को सब कुछ छोड़कर जो है वो शहर में आ गया था इसलिए वो मीन था कनिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है इंट्यूटिव का मतलब होता है जो उसके इंट्यूशन होते थे जो उसके इंस्टिंग्स होती थी वो के ऊपर काफी ज्यादा काम करता था इसी के साथ साथ मिस्टिकल भी था काफी चीजों को वो छुपाता था शार्प था इंटेलिजेंट था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो दीज आर सम ऑफ़ द क्वालिटीज ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अस मूव अहेड विद द सेकंड क्वालिटी दैट इज गुरु नायक क्वालिटी ही वॉज मैनिपुलेटिव मैनिपुलेटिव क्यों बोला गया है काफी चीजों को बदल बदल कर वो बात किया करता था जैसे कि दोनों के बीच में एक बार्गेनिंग चल रही थी पैसों को लेकर डील को लेकर तो उसने काफी ज्यादा क्या किया गुरु नायक ने एस्ट्रोलॉजर को मैनिपुलेट किया इसी के साथ साथ एरोगेंट भी था क्योंकि वो कई बार क्या करता था उसको धक्का दे देता धक्का दे, दे देता था राइट right? तो काफी ज्यादा एरोगंड था क्वारलसम था लड़ाई करने वाले इंसानों में से वो ज्यादा था एग्रेसिव था बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था इसके साथ साथ उसकी दूसरी क्वालिटी है जो हमने मार्क की है जैसे एरोगेंट हो गया डिमांडिंग हो गया काफी डिमांडिंग था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुमको करना ही है उसके साथ साथ एंटेगोनिस्टिक था स्केप्टिकल था अग्रेसिव था कॉरल गलीबल इम्पेटिस सारी जो क्वालिटीज है ये क्वालिटीज आपकी गुरु नायक की है मूविंग अड विद द क्वालिटीज़ ऑफ दी एस्ट्रोलॉजिज वाइफ अब जब जितनी भी कॉन्वर्जेशन हमने उसकी वाइफ की सुनी उसके हिसाब से हमको क्या लगता है क्या क्वालिटीज़ थी उसके वाइफ की एक तो शी वॉज वेरी मच केयरिंग ऑल्सो शी वॉज प्रोटेक्टिव वरिड भी थी काफ़ी ज़्यादा वरी रहती थी कि क्यों अब मेरा हस्बैंड इतना लेट आया है काम पर से रैशनल थी हाँ कभी भी एक साइड नहीं सोचती थी जो चीज़ गलत था उसको गलत बोलती थी सही था उसको सही बोलती थी इसी के साथ साथ ह्यूमैनिस्टिक क्वालिटी थी उसकी इंसानियत थी उसमें प्रोटेक्टिव भी थी केयरिंग भी थी राइट तो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ दी एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ नाउ लेटस मूव अहैड विद सम अदर क्वेश्चन नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद आ नेक्स्ट क्वेश्चन देट मीन सफिक्स एंड प्रिफिक्स जो हम ऑलरेडी जानते हैं प्रिफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड्स के आगे ऐड होता है जैसे कि एबल एबल के आगे कुछ ऐड हुआ तो वह अनेबल तो अन जो होता है आपका प्रिफिक्स होता है प्री यानी कि पहले आना सफिक्स जो होता है वर्ड के बाद में एड होता है तो लेटर्स गो थ्रू दी सफिक्स वन बाय वन पहला वर्ड दिया है हमको ऑलरेडी उसके लिए ऑप्शन ऑप्शन के लिए यहाँ पर डबल ई आर ऑप्शन ईयर जो कि ऑलरेडी हमको पैसेज में दिया हुआ है तो ऑप्शन ईयर बिकम्स द Noun. है हमारा enchant. Enchant का पे दिया हुआ है okay? Then we have तो नॉलेज प्रिपेयर का हो जाएगा प्रिपेरेशन क्योंकि नाउन फॉर्म है उसका प्रोसीड तो का हो जाएगा प्रोसीजर अपियर का हो जाएगा अपियरेंस एंड लास्ट इज योर रिमार्क जिसका हो जाएगा रिमार्केबल नाव वी हैव अगेन मेनी क्वेश्चन विद आस जिसका आंसर डेफिनेटली हम lecture end आपको लेक्चर के एंड में ब्रीफ आंसर आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएंगे नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नोन एज इंडियन वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक में किस तरीके के इंडियन वर्ड्स यूज होते हैं तो उसको हम कोड मिक्सिंग कहते हैं क्यों कोड मिक्सिंग बिकॉज दीज आर नॉट एट ऑल प्रॉपर इंग्लिश ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज या इंग्लिश के वर्ड्स नहीं होते हैं इसीलिए इसको कोड मिक्सिंग बोला जाता है तो अब क्या क्या कोड मिक्सिंग दिया हुआ है हमको लेटर्स गो थ्रू वन बाय वन एक तो हमको पाइज दिया हुआ है जैसे मैंने आपको समझा था पाइज और एनाज जो है वो एक करेंसी हुआ करती थी इंडिया और पाकिस्तान की नाइनटीन तक जो करेंसी यूज़ करते थे तो उसको पाइज और एनास के नाम से बुलाते थे पियोल जो है हमको पता है जो खाट होती है उसको हिंदी में भी गांव साइड में विलेज साइड में प्योल ही बोला जाता है तो अगेन दैट इज एन इंडियन वर्ड दैट इज नॉट एट ऑल इंग्लिश वर्ड देन वी हैव रूपी एज वेल जो कि इंडियन वर्ड है देन वी हैव चिरुट चिरुट हमने देखा था जो सिगार थी तो चीरुट बोले बोलते थे लोग उसको और दट इज अ रीजन अगेन देट इज़ एन इंडियन वर्ड जुटका ड्राइवर्स जो घोड़ा गाड़ी हमने सुना था जिसके बारे में तो जुटका ड्राइवर्स है देन वी हैव बॉम्बे आइसक्रीम डेली एलमंड एंड राज देलीकसी सो बेसिकली ये सारे टर्मिनोलॉजी जो आपके एंटायर बुक में यूज हुई है पूरे चैप्टर्स में यूज हुई है तो इसको हम कहते हैं कोड मिक्सिंग क्योंकि इंडियन वर्ड्स होते हैं दे आर नॉट एट ऑल एट प्रॉपर इंग्लिश सो देट इज द रीजन दे आर टर्म डेस्क कोड मिक्सिंग नाओ लेटस गो टू दैक्स्ट क्वेश्चन नाउ हियर आर सम फ्रेसिस जो कि दिए हुए हैं ये सारे अलग अलग फ्रेस दिए हुए तो इन फ्रेज को आप किस तरीके से उस सेंटेंस के साथ में मैच करते होके सो हियर वी हैव दोज फ्रेजेस ओके वन इज ऑलरेडी गिवन

अपना सैफरन कलर का टर्बन जो है उसको पहन लिया था तो इसीलिए उसको बोला गया है टू क्राउन द इफेक्ट नेक्स्ट है द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर आर द डैश ऑफ इंग्लिश ड्रामा डैश ऑफ इंग्लिश ड्रामा तो इनमें से हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है ओके okay, तो यहाँ पर जो वर्ड जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होती है आपकी क्राउनिंग ग्लोरी क्यों क्योंकि इंग्लिश ड्रामा में किस तरीके का काम किया है शेक्सपियर की जो भी काम थे जो पोएम्स हुआ करती थी लेसन हुआ करते थे वो क्राउनिंग ग्लोरी की तरह काम किया करते थे इंग्लिश ड्रामा के लिए तो क्राउनिंग ग्लोरी इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट वी हैव अमिताभ हैज गिवन एस ऑसम मूवीज थ्रू आउट फाइव डेकेट्स बट हेज डैश इन परफॉर्मेंस इन द मूवी ब्लैक यानी कि थ्रू आउट दी फाइव डेकेट्स उन्होंने क्या किया है सदियों तक बहुत अच्छी मूवी दिया है लेकिन एक मूवी ऐसी है जिसमें उनका किरदार जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है तो वो है क्राउनिंग अचीवमेंट यानी कि एक ताज जब आपको पिनाया जाता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है तो इसीलिए यहाँ पर जो यूज़ होगा फ्रेज़ वो होगा क्राउनिंग अचीवमेंट नेक्स्ट वी हैव इज इन हर pursuit ऑफ सक्सेस राधा हैज़ डिस्टेंस herself from हर फैमिली हर फेम हैज़ बिकम अ रियल डैश क्राउन ऑफ थॉर्न्स क्राउन ऑफ थॉर्न्स का मतलब होता है यहाँ पर कांटों का ताज पहनाना क्यों क्योंकि उसने अपने सक्सेस के लिए फैमिली से खुद को डिस्टेंस कर लिया तो इस ये चीज़ उसने कोई अचीवमेंट वाला काम नहीं किया था तो जो भी उसको फेम मिला है वो फेम कांटों का जो ताज पहनाया जाता है वो उसको मिला मिला है बिकॉज शी डिस्टेंस herself फ्रॉम अ फैमिली Next we have is the three were wonderful party for me with costumes, games. एंड डैश favorite फेवरेट काइंड ऑफ आइसक्रीम अब यहाँ पर जो फ्रेज़ यूज़ हो रहा है वो हो रहा है टू क्राउन इट ऑल यानी कि जैसे हम कहते हैं सोने पे सुहागा अचेरी ऑन द केक राइट तो उसी तरीके से उन लोगों ने मेरे लिए एक पार्टी भी तो रखी लेकिन पार्टी रखने के साथ साथ क्या किया कॉस्ट्यूम जो है वो भी रखा गेम्स भी रखा और इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा एड करने के लिए ऊपर से उन्होंने और क्या किया उसकी फेवरेट आइसक्रीम जो है उसको भी रख दी तो इसलिए बोला गया है टू क्राउन इट ऑल ओके okay. लास्ट है हमारा मेडिकल साइंस हैज़ ग्रेट इन्वेंशंस बट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज डेफिनेटली अ डैश फॉर ह्यूमन बींग्स यहाँ पर बोल रहा है मेडिकल साइंस बहुत सारे इन्वेंशंस को लेकर है लेकिन जो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसके लिए यहाँ पर यूज होगा क्राउनिंग अचीवमेंट तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन लेटस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट दीज आर दूसेज ऑफ वर्ड्स दैट मीन्स ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है सेंटेंस को वापिस से रीराइट करना है रीफ्रेम करना है लेकिन रीफ्रेम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए तो बिना मीनिंग को चेंज किए हमको क्या करना है इस सेंटेंस को वापस से रीराइट करना है वापिस से रीफ्रेम करना है वापस से लिखना है किसी तरीके का चेंज उसके अंदर नहीं आना चाहिए उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए यू कैन चेंज दी वॉइस इट कैन बी इधर एक्टिव वॉइस और पैसे वॉयस But that does not mean you change the entire meaning of the sentence. Let us go through the first sentence. The power of his eyes was considerably enhanced.

नेक्स्ट वी हैव इज ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैन काइंड ट्रबल अब वर्किंग को हमको क्या करना है वर्क करना है वर्किंग प्रेजेंट फॉर्म में है वर्क जो है वो पास्ट फॉर्म में है तो उसको किस तरीके से हम लिखेंगे ही हैड वर्क आउट ऑन एनालिसिस ऑफ मैन काइंड ट्रबल तो वर्क आउट हो जाएगा यहाँ पर वर्क का ईडी फॉर्म जो है वो यूज किया है यहाँ पर इंस्टेड ऑफ आई एन जी हे न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट अब इसको करना है हमको हैपन happen को हैपनिंग हैपनिंग अब यानी कि ऑलरेडी हो रहा है ही न्यू वॉट वुड बी है उसको पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है अगले ही मिनट नेक्स्ट इफ यू फाइंड माई आंसर्स सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी फाइव रुपीज अब सेटिस्फैक्ट्री को हमको करना है सेटिस्फैक्शन यानी कि नाउन फॉर्म यूज करना है तो नाउन फॉर्म हम कैसे लिखेंगे इफ माई आंसर्स गिव्स यू सेटिसफैक्शन मतलब यही है मतलब चेंज नहीं हो रहा है यहां पर सिर्फ आपको जो वर्ड दिया हुआ है उस वर्ड का यूज करते हुए री राइट करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इफ माई आंसर्स गिवस यू सेटिस्फैक्शन यू विल गिव मी फाइव रुपीज नेक्स्ट ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली अब रिग्रेटफुली को आपको क्या करना है रिग्रेट करना है

तो पर क्या होगा आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा पैसे बी विल डर्ड एवरी वन तो यहां पर आपका सेंटेंस का फॉर्म एक्टिव से पैसिव हो गया नेक्स्ट वी हैव आई शुड हैव बिन डेड इफ समय द वेल एक्सक्लेम अदर ओवरवेल्ड बाय एंथजियाज्म अब ये सेंटेंस पूरा सेम होगा खाली एक्सक्लेम द अदर के बाद आपका इंस्टेड ऑफ ओवरवेल्ड बाई एंथम यहाँ पर आ जाएगा एक्सक्लेम दी तो सेंटेंस पूरा सेम है सिर्फ आपका ओवरवेलम बाई एंथुजियाजम चेंज होकर एंथुजियाटिकली आ जाएगा दैट इज हाउ यू फ्रेम देंटेंस नेक्स्ट वी हैव इज यू ट्राई टू किल हिम अब किल को हमको किलिंग करना है तो क्या होगा यू ट्राइड किलिंग हिम यू ट्राइड टू अब टू जो है वो यहाँ से क्या होगा हट जाएगा यू ट्राइड किलिंग हिम नेक्स्ट इज आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर प्रिपरेशन अब प्रिपेयर को प्रिपरेशन करना है सो हाउ वी विल राइट आई विल मेक अ प्रिपेरेशन ऑफ सम नाइस स्टफ फॉर हर क्योंकि प्रिपेर से वो प्रिपरेशन हो गया तो सेंटेंस की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है नेक्स्ट वी हैव इज द अदर ग्राउंड ऑन हियरिंग इट अब हियरिंग को हमको हर्ट करना है तो क्या होगा द अदर ग्राउंड वेन ही हर्ड इट जब उसने सुना वैन ही हर्ड इट तो ग्रो आपका जो हियरिंग है वो चेंज होकर क्या हो गया हर्ड हो गया तो विद दिस वी आर डन विद विदायर ब्रेन स्टॉमिंग वर्कशॉप अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन इफ यू ऑल वॉन्ट अगेन वी विल पोस्ट द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन वंस वी आर डन विद द लेक्चर So, you will find the answers at the end of our session. And thank you very much. If you like the lecture, please do like, share, and comment. Thank you very much.